फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो आज तो मैं बहुत सुबह सुबह फसान फंसी हूँ फ्रेंड्स। एक तो मैं आपके कमेंट्स का वीडियो बनाने के लिए जैसे बैठी वैसे ही मेरा ट्राइपॉड टूट गया, और दूसरी बात है घर में कहीं मेरे को जगह ही नहीं मिल रही है। हर जगह शोर शराबा है मेहमानों से, इसीलिए मैं अपने स्टोर रूम में आके मैं रोज़ बनाती हूँ, पर जो कि ट्राइपॉड मेरा टूट गया है तो इसीलिए मुझे अभी ऐसे एडजस्ट करके करना पड़ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। तो मैं अपना कमेंट्स का सिलसिला चालू करती हूँ विदाउट टाइम वेस्ट किए, नहीं तो पता नहीं और क्या सुबह सुबह कल्याण मेरे साथ हो जाए। आज लगता है दिन ही अच्छा नहीं है। तो मैं सबसे पहले शशि जी का मैसेज से स्टार्ट करूँगी। शशि शुक्ला जी ने लिखा है, सही बात बहन जी, ना तो पैसा है ना रुपया, ना नादान, ना शक्ल सूरत, यह सही। अच्छा, समर की ना शक्ल अच्छी ना कल अच्छी है। फिर दीपाली जी ने लिखा है, सिस्टर मैंने आपकी एक्टिंग को सलाम करती हूँ। गुनगुन की समर के साथ एक्टिंग, मेकअप, ड्रेसेस चेंज करने सब धारा का धरा रह गया, और वो भी राधिका के सामने रियल वाइफ ही रहेगी। गुनगुन के साथ ऐसे ही होना चाहिए था, एकदम गुनगुन के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। फिर जोस्फिन जी ने लिखा है, गुनगुन इज सो चीप, शी चूज द रॉन्ग वे टू गेट राधिका आउट ऑफ समर्स लाइफ। शी वॉज 100% श्योर शी विल बी द लीगल वाइफ एंड सडनली गुनगुन ब्रदर्स स्टैंडिंग बाय हर, ही ऑल्सो इज लाइक जैक इन द बॉक्स। एग्जैक्टली, ही इज टोटली लाइक अ जैक इन द बॉक्स। फिर रीटा जी ने लिखा है, गुड, थैंक यू सो मच। फिर रत्ना आंटी ने लिखा है, बेटी यू आर जस्ट सुपर्ब, तुम्हारी ये एक्सप्लेनेशन सुन के इतना हंसी आ रहा है, क्या बताऊँ, तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स मच सचमुच वाओ। समर के ब्लॉग में जितना किरदार है किसी को हिम्मत नहीं होगा तुम्हारे साथ मुकाबला करने का। रे बाप रे, कुछ ज़्यादा ही हो गया आंटी। रही बात गुनगुन की, उसकी बात जितना कम करोगे उतना ही अच्छा है। हमें लगता है समर और गुनगुन दोनों ही दोनों के लिए बनी है, दोनों को लाज शर्म नहीं है, दोनों को थप्पड़ खाना, कॉलर पकड़ना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। अभी राधिका शुड गो टू पुलिस एंड आस्क हिम टू किक आउट गुनगुन फ्रॉम हर राधिकास पेरिफेरिया। ठीक बोले आप। अब नीता जी का मैसेज है वन मून वाले आईडी से। उन्होंने लिखा, हर्षा जी नाटक ही सही पर एकदम बंडल है, एक्टिंग में ही पकड़े जाते हैं, ये फेक है, कुछ ऐसा दिखाएं कि सच लगने लगे। मेरी बात तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर समर मेरा वीडियो अगर देखता हो, कि आप फेक वीडियो तो बना रहे हो तो उस फेक वीडियो में थोड़ा अच्छा वीडियो बनाओ ताकि समाज को अच्छा मैसेजेस मिले। ये सब मैसेजेस दे के कोई फ़ायदा नहीं है कि इसकी बीवी उसके पति के साथ, उसकी बीवी इसके पति के साथ, ये सब एक गलत मैसेजेस स्प्रेड हो रहा है। और इससे क्या है, हमारे जो जनरेशन है, हमारे आने वाला जनरेशन है, हम क्या, हम तो समझदार हैं, हम समझ गए हैं कि क्या है क्या नहीं, हमको समझ में आता है। पर हमारे जो बच्चे जो बड़े हो रहे हैं उनको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। वो अगर कोई अगर ये चीज़ देखेगा तो उनको लगेगा यही चीज़ होता होगा, यही फैक्ट है, यही लाइफ का फंडा है, उनको यही लगेगा। फिर मैं नाम लूँगी खिंतू जर जी का, उन्होंने कहा एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू सो मच। फिर जोस्विन जी ने फिर लिखा है, सिस्टर गुनगुन इज टॉर्चरिंग राधिका, गुनगुन थॉट शी इज़ वेरी स्मार्ट बट टुडे शी इज़ रिपेंटिंग। एग्जैक्टली, नाउ शी इज़ रिपेंटिंग। फिर खिंतू जर जी ने लिखा है, तब तक के लिए बाय बाय बेटा हो युवान को। वो हमेशा रेडी रहता है आप लोगों को बाय बाय करने के लिए, कहीं भी रहेगा मगर आ जाएगा, तब तक के लिए बाय बाय। फिर सुनंदा जी ने लिखा है, मैडम जी इन लोगों को खड़े बोल से सुना दो कि ऐसे नाटक दिखाकर समाज में गंदगी ना फैलाए। पैसे कमाने के और तरीके हैं, खून पसीना की कमाई जन्म जन्म तक काम आएगी, बाकी भगवान तो सब नोटिस कर रहा है। समर गुनगुन समय पर सुधर जा ओ, वरना फ्यूचर बेकार है इनका। आपको लगता है वो फ्यूचर है सुनंदा जी? ये तो एकदम टैंट है फिश वाला फ्यूचर लेके घूम रहे हैं। एक तो मार खा खा के जी रही है, एक मारते जा रहा है। उसको ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं गुनगुन ना हुई, पता नहीं उसको क्या सोच रखा है, उसको ऐसे मार रहा है जैसे उसके माँ बाप मतलब गुनगुन के पापा और भाई कैसे मारते हैं समर को, वैसे समर इसको मारता रहता है। फिर मैं नाम लूँगी अभियंतन जी का, उन्होंने लिखा, वाव दीदी आपने तो हमेशा डायरेक्ट बोल देते हैं, वीडियो देख के बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी सविता जी का, उन्होंने लिखा, सही बात है बहन जी, सीरियल चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। वही तो सब कुछ करना पड़ता है। रीमा जी ने लिखा, यू आर राइट हर्षा जी, थैंक यू सो मच रीमा जी। फिर हेमा जी ने लिखा है, दीदी विथ फ्रॉड पीपल दिस हैज़ टू हैपन, एक्चुअली राधिका हैज़ फर्स्ट वोन द केस, चाइल्ड इज अनऑफिशियल, सो वॉट कैन पुलिस डू, शी इज़ वाइफ ऑफ समवन एल्स।
इवन पुलिस कैन नॉट डू समर हैड नॉट गॉन टू गुनगुन शी हैज कम टू हिम एंड शी ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव अ बेबी ऑफ समर एग्जैक्टली शी ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव अ बेबी फ्रॉम समर. आपने फिर लिखा है दीदी गुनगुन लीविंग अ हस्बैंड एंड हैज कम टू स्टे विद सम वन एल्स हस्बैंड इवन द जजमेंट विल बी अगेंस्ट गुनगुन ओनली एग्जैक्टली. इसलिए तो मैंने कहा किस बेसिस में नोटिस भेजोगी फॉर विच इन विच कंडीशन. उसके बाद आस रंजन जी ने लिखा है बिल्कुल सही मैडम समर क्या है इतने जो लड़के पाछी पड़ता है पीछे पड़ते हैं. हाँ सच में समर भगवान जाने समर के लोग क्या बना के रखी है हीरो. उसके बाद सिल्विया किंडो जी ने लिखा है सिल्विया जी ने लिखा है मुझे बहुत दिन के बाद मैसेज सिल्विया जी ने किया है. उन्होंने लिखा है सिस्टर ये तो होना ही था एकदम. मेरे अनिरुद्ध भैया ने मुझसे क्वेश्चन किया है गॉन केस क्या होता है. अरे गॉन केस अनिरुद्ध भैया जिसको हम करण अर्जुन पिक्चर के हिसाब से बोलते नहीं ठाकुर तो गयो तो इसका मतलब ये होता है कि इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता है. समर भी गॉन केस गुनगुन भी गॉन केस मतलब तुम लोगों का कुछ होने वाला नहीं है तुम दोनों एकदम पूरा ठाकुर तो गयो उसी को गॉन केस. फिर देख लेती हूँ किसका मैसेज रह गया हो. इंदु शर्मा जी ने लिखा है आपने सही कहा है गुनगुन बहुत गलत है थैंक यू सो मच. फिर रत्ना आंटी का तो पढ़ लिया सुनंदा जी का पढ़ लिया. अनीता भट्ट जी का नहीं पढ़ा है उन्होंने लिखा है बिल्कुल सही बात कही आपने ना तो इस समर की शक्ल अच्छी है ना अकल अच्छी है ना ही इसके पास पैसे. गुनगुन के बाप ने भी इसे खूब पैसे दिए मन तो करता है पास में होता तो दो जूते मारती सच में. अगर ये मेरे सामने भी होता ना तो मैं भी इसको खिंच खिंच के मारती. ये पहली बार लड़कियों को समझा क्या है ऐसे करके मारता रहता है ऐसा लगता है जैसे लड़की ना हुई कोई बॉक्सिंग बैग हो गई हो उसको मारते जा रहा है. फिर देख लेती हूँ किसी का मैसेज है नहीं सबका मैसेज मैंने पढ़ लिया है. ताशी जी का है आपने बिल्कुल सही बोला बेशर्मी नागिन मर जाना चाहिए एकदम. उसके बाद बेटा बाद में उसके बाद नहीं और किसी का मैसेजेस नहीं है तो मेरे पास इतने सारे मैसेजेस थे. आज मेरी उषा आंटी का मैसेज नहीं आया मुझे. अमृत जी बहुत दिन से मुझे मैसेज नहीं दे रही. अच्छा अभी नहीं थोड़ी बात रुको. और अमृत जी ने मुझे मैसेज नहीं किया है काफ़ी दिन हो गए हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेजेस कीजिएगा कम से कम हाई लिखिएगा मुझे वही बहुत अच्छा लगता है. और ये मेरे महाराज जी मेरे गोदी में थे उठ के बैठ गए. तो अब मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. मुझे प्लीज़ ऐसे प्यार सपोर्ट करते रहिएगा तब तक के लिए. नहीं बोला तब तक के लिए अभी नींद से उठा है ना तो अपने दूसरे हैंगओवर में अच्छा कोई बात नहीं मैं बोल रही तब तक के लिए बाय बाय ये बोल रही तब तक के लिए बाय बाय. ठीक है अभी मैं लगती हूँ अपना वीडियो एंड करती हूँ फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाय बाय. जय हिंद वंदे मातरम.